नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं सुरभि। अब शुरुआत करते हैं दिनादन खबरों की। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के संकट को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। संपन्न बैठक में सीएम केजरीवाल ने लिया हिस्सा। कोरोना से बचाव को लेकर लिए गए अहम निर्णय, अधिकारियों को दिए गए लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने के निर्देश। दिल्ली में अब मास्क ना पहनना पड़ेगा, और ज्यादा भारी मास्क ना पहनने का जुर्माना 500 की जगह अब हुआ 2000। सर्वदलीय बैठक में लिया गया यह निर्णय। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को छठ त्योहार को घर पर ही मनाने की अपील। तालाबों पर न जाकर बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर मनाए छठ पर्व, यह ऐलान किया गया और अपील की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों के विवाह पंजीकरण वाली याचिका पर लिया संज्ञान, सरकार को भेजा नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया बेंगलुरु टेक समिट 2020 का शुभारंभ। कार्यक्रम में नई तकनीक के साथ महामारी के बाद आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर की चर्चा। 21 नवंबर तक चलेगा समिट का आयोजन। उत्तराखंड में अभी भी कॉलेजों के खुलने को लेकर लटकी सुई। सरकार ने फैसले को किया स्थगित। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कैबिनेट ने लिया निर्णय। हरियाणा के जिंद के एक स्कूल में 11 छात्र पाए गए कोरोना पॉजिटिव, साथ ही 8 शिक्षक भी आए कोरोना की चपेट में। स्कूल प्रशासन में मचा हड़कंप। बिहार की नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री रेणु चौधरी ने शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का किया बचाव, कहा चार्ज लगने से कोई दोषी साबित नहीं होता। सीबीआई जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य के जांच मामले की राज्य की सहमति जरूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ का जम्मू कश्मीर में गुपकार समझौते को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा कांग्रेस का हाथ देश में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले के साथ। दिल्ली में टूटा कोरोना से मौत का रिकॉर्ड। एक दिन में गई 131 लोगों की जान। पिछले 24 घंटे में 7486 नए केस आए सामने। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट का दूसरा दिन। मेट्रो स्टेशन पर भी टेस्टिंग की तैयारी में प्रशासन। पीपीई किट पहनकर स्वास्थ्यकर्मी लोगों का कर रहे टेस्ट। दिल्ली में सार्वजनिक जगह पर छठ पूजा पर रोक। दिल्ली हाईकोर्ट बोला त्योहार के लिए जिंदा रहना जरूरी। गाजियाबाद में डीएम अजय शंकर पांडे ने लिया हिंडन छठ घाट का जायजा। जम्मू मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, 2 जवान घायल। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि मारे गए चारों आतंकियों की पहचान की जा रही। इन आतंकवादियों ने हाल ही में भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। ये आतंकी सांबा सेक्टर से इस ओर आए। लखनऊ में सीएम योगी ने किया यूनिवर्सिटी शताब्दी समारोह का शुभारंभ। समापन समारोह में वर्चुअल मौजूद रहे पीएम नरेंद्र मोदी। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगी शताब्दी समारोह। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी किया जाएगा आयोजन। पंजाब में किसानों के आंदोलन से बिगड़ने लगे हालात। आंदोलन के चलते रेलवे को 33 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, जबकि 11 ट्रेनों के बीच में ही रोक दिया गया, जिससे रेलवे को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन अब भी जारी रहेगा। मेरठ जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या पर आयुक्त गंभीर, अधिकारियों मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग होम प्रतिनिधियों ने की बैठक। समय से कोरोना जांच, समय से उपचार होना आवश्यक। दिल्ली से आने जाने वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश। कानपुर में मानसिक रूप से परेशान चल रहे युवक की खुदकुशी। घर पर कब्जा होने से परेशान मृतक के मोबाइल से मिला सुसाइड नोट में 2 लोगों पर लगाए मृतक ने आरोप। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में बौद्ध पार्टी के जश्न में जमकर की गई फायरिंग। तलवार से काटा गया बौद्ध के एक सिस्टम को चुनौती देते दिखे युवा। बौद्ध पार्टी में लड़कों ने किया जमकर शक्ति प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो।
मेरठ में जाम रोकने में नाकाम, ट्रैफिक पुलिस ने कार में बैठे शख्स की कार की जब्त। अल्ट्रासाउंड सेंटर के बाहर तड़पती रही गर्भवती पत्नी, बीमार पत्नी का हवाला देकर पीड़िता लगाता रहा गुहार। ट्रैफिक पुलिस ने निर्दयता का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा। संभल में कार में लगी आग, जिसकी वजह से कुछ लोग झुलसे। और बरेली में भाजपा नेता के भाई का शव मिलने से सनसनी फैल गई। और मथुरा में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस में इस मामले की जानकारी दी गई और पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। और अमरोहा में अवैध प्लॉटिंग को लेकर के कार्यकर्ताओं की ओर से अब संज्ञान लिया गया, जिसके बाद से जो खलबली मची हुई थी इस पर ध्यान आकर्षित किया गया है प्रशासन का। नोएडा में पुलिस का सराहनीय कार्य देखा गया। अमेठी सड़क हादसे में 3 की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार बुजुर्ग सहित 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। हादसे के बाद मृतकों के घर में छाया मातम, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में दुकान पर सामान लेने गई दलित नाबालिग से हुआ रेप, आरोपी ने दुकान के अंदर बुलाकर दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, ईंट से भरे ट्रैक्टर और बस में हुई जबरदस्त भिड़ंत, आगरा से दिल्ली जा रही थी रोडवेज बस, हादसे में कई लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को किया रेस्क्यू। बदायूं में मजदूरी करने गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने जताई युवक की हत्या की आशंका। मृतक के शरीर में मिले चोट के निशान, युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने आश्वासन देकर शांत कराया मामला। फिरोजाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, खेत की रंजिश को लेकर हुई युवक की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने दर्ज किया मामला। गाजियाबाद में रोडवेज बस ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, हादसे में 2 पुलिसकर्मी हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नाव में बड़ा ट्रक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने 3 युवकों को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौके पर मौत, 1 युवक गंभीर रूप से घायल। एटा में आग से जलकर विवाहिता की हुई मौत, 1 महीने पहले हुई थी शादी, जले हुए शव को घर के बाहर छोड़ परिजन हुए मौके से फरार। नशेबाज पति होने की वजह से रोज होता था गृह कलेश। मधुबन में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला आया सामने, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट से छप्पर में लगी आग के कई दलितों के घर हुए बर्बाद, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जालौन में घर में घुसकर युवक को मारी गोली, परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में तेज रफ्तार का दिखा कहर, रोडवेज बस ने बोलेरो में मारी जोरदार टक्कर, कार सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस मुख्यालय पर हुई बैठक, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इंदिरा गांधी के चित्र पर किया माल्यार्पण। बैठक में सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और कार्यकर्ता हुए शामिल। संभल में प्रधान की मनमानी के चलते आंगनबाड़ी वर्ग महिला ने की जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश, पीड़ित महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहर खाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल।
संत कबीर नगर में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। मंदिर में सो रहे पुजारी की गला रेत कर हमलावरों ने किया हत्या करने का प्रयास। खून से लथपथ पुजारी को पुलिस ने मलौली अस्पताल में कराया भर्ती। मेरठ में बढ़ते कोरोना वायरस के चलते एसएसपी ने चलाया 3 दिन का विशेष अभियान। मास्क न लगाने पर लोगों को किया जागरूक। बिना मास्क पाए जाने पर होगा 500 रुपए का जुर्माना। कोरोना के खिलाफ 3 दिन तक चलेगा ये विशेष अभियान। फिरोजाबाद से आनंद विहार जा रही ट्रेन में हुआ हॉट एक्शन। अनफारन में हिरन गांव स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन हॉट एक्शन से प्रशासन में मचा हड़कंप। अधिकारियों से विचार विमर्श पर अलग कराया गया ट्रेन का डिब्बा। ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। बहराइच में आपसी रंजिश में गोली चलने का मामला आया सामने। 20 वर्षीय अमित कुमार ने 26 वर्षीय प्रवीण कुमार को मारी गोली। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण बैटरी की दुकान में लगी भीषण आग। लगभग 50 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। रायबरेली में मिट्टी खनन माफियाओं पर हुई बड़ी कार्रवाई। एसडीएम ने देर रात की छापेमारी। मौके से 1 जेसीबी और 2 डंपर सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तहसीलदार और लेखपाल मौके पर रहे मौजूद। बिजनौर में दरोगा सहित 3 लोगों पर लूट का मुकदमा दर्ज। दरोगा ने पीड़ित से छीने थे 20,000 रुपए। मामले में दरोगा रोहित शर्मा हुए निलंबित। अन्य आरोपी फरार। उत्तराखंड की पौड़ी में सीएम त्रिवेंद्र ने किया नया घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन। जिले में पहली बार कराया जा रहा है साहसिक खेलों का आयोजन। पूरे देश से 13 राज्यों के प्रतिभागी कर रहे आयोजन में शिरकत। नेपाल और जापान के प्रतिभागी भी दिखाएंगे साहसिक खेलों में अपना हुनर। रुद्रप्रयाग में द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम के कपाट हुए बंद। धाम के बर्फ से ढके होने के चलते लिया गया निर्णय। 22 नवंबर को डोली पहुंचेगी ओंकारेश्वर मंदिर। उखीमच पूजा अर्चना के बाद बंद हुए मदमहेश्वर धाम के कपाट। डोईवा वाला के नकरांदा में फलदार पेड़ों का अवैध रूप से धीरे धीरे किया जा रहा था सफाया। उद्यान और वन विभाग ने अपनी आंखें मूंदी। पेड़ों को बचाने की जिम्मा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाया। वन विभाग को अवगत कराने के बाद भी कार्रवाई करने से कतरा रहा विभाग। डोईवाला में अतिक्रमण पर चला तहसीलदार की चाबुक। तहसील प्रशासन ने 15 बीघा अवैध जमीन को कब्जे से हटाया। तहसीलदार रेखा आर्या की अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हुई और उसके बाद भारी पुलिस बल के बीच बनी झोपड़ियों को हटाया गया। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में मचा हलचल। देहरादून में छठ पूजा पर लगी रोक। देहरादून और हरिद्वार में नदियों घाटों पर पूजा की नहीं है अनुमति। कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर पूजा पर लगी रोक। श्रद्धालुओं को इस बार घर में ही मनाना होगा ये पर्व। उत्तराखंड में शिक्षकों की अब नहीं चलेगी मनमानी। शिक्षकों पर सरकार ने बनाई टेढ़ी नजर। हरिद्वार में तैनात कई टीचर अब पहाड़ पर चढ़ने को होंगे मजबूर। शासन ने आदेश किया जारी। जितने भी ऐसे टीचर्स जिनकी मूल तैनाती पहाड़ों पर है और वो प्लेन में जॉब कर रहे हैं उनको तुरंत पहाड़ों पर भेजा जाए। हरिद्वार में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद। बाहरी जिले से आने वाले लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश। छठ पूजा के मौके पर कोविड नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य। कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई। हरिद्वार बॉर्डर पर की जा रही थर्मल स्क्रीनिंग। हरिद्वार में सीओ बहदराबाद ने किया थाने का निरीक्षण। बहदराबाद थाने में पहुंचकर जांची खामियां। जनता की समस्या के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। पाई गई कमियों की दुरुस्त कराने के दिए निर्देश। बागपत में सामने आया लव जिहाद का मामला। पहचान बदलकर 7 महीने तक स्टाफ नर्स से दुष्कर्म, गर्भपात कराने और धर्म परिवर्तन करने का बनाया दबाव। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता था ब्लैकमेल। गुजरात के अहमदाबाद में शहर में हवा में फायरिंग करते हुए एक युवक का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। वटावा इलाके के बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल महरिया ने की हवा में फायरिंग। प्रतापगढ़ में लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बड़ा हादसा। बस और बोलेरो में जबरदस्त टक्कर के बाद पलटी बस। एक की मौत पर
एक की मौत और घायलों के भेजा गया नजदीकी अस्पताल में। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुटी। सुल्तानपुर के अखंड नगर विकास खंड में बड़ा घोटाला, खानपुर ग्राम प्रधान पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। करोड़ों के शौचालय घोटाले में सामने आ रहे कई नाम निर्माण किए गए शौचालयों की हालत बेहद खस्ता। अफसरों और ग्राम प्रधानों के मिलीभगत से करोड़ों का हुआ घोटाला। फरुखाबाद स्वास्थ्य विभाग हुआ कोरोना को लेकर अलर्ट। दिल्ली से आने वाले यात्रियों का हो रहा कोविड टेस्ट। बस स्टॉप पर कराया जा रहा यात्रियों का कोविड टेस्ट। दिल्ली में कोरोना मरीज बढ़ने के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने उनके आइसोलेशन में होने की खबर का किया खंडन, कहा पता नहीं कैसे कोरोना की खबर फैली। बाहुबली प्रभास की आने वाली फिल्म आदि पुरुष चर्चा में बनी हुई। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का किया ऐलान। फिल्म पौराणिक ग्रंथ रामायण पर आधारित। रश्मि रॉकेट की शूटिंग के दौरान बिना हेलमेट पहने बाइक चलाना। अभिनेत्री तापसी पन्नू को पड़ा भारी, भरना पड़ा जुर्माना। शूट से पहले कट गया चालान। अभिनेत्री तारा सुतारिया अपना 25वां जन्मदिन मनाने के लिए पहुंची मालदीव्स। उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड आदर जैन भी आए नजर। फिल्म बजरंगी भाईजान की मुन्नी उर्फ हर्षाली मल्होत्रा ने रिजेक्ट की कई साउथ फिल्में, कहा मुन्नी जैसा अच्छा रोल मुझे किसी फिल्म में ऑफर नहीं किया गया। बॉलीवुड संगीतकार अमाल मलिक का पॉप डेब्यू सॉन्ग तू मेरा नहीं सोशल मीडिया पर मचा रहा धूम। गाने को 1,30,00,000 मिल चुके व्यूज। छेड़छाड़ के आरोपों के चलते फिल्म से बाहर हुए विजय राज बोले ये असीम पीड़ा, अपने परिवार और खुद को रोज रोज मरते देखना दुखदायी। बीते जमाने की ग्लैमरस एक्ट्रेस जीनत अमान ने मनाया अपना 69वां जन्मदिन। उन्होंने अपनी बायोग्राफी द बिग मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ में लिखी। सुप्रीम कोर्ट झुंड की रिलीज पर 6 महीने में जारी करेगा निर्देश। कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप, ऑपोजिशन के वकील ने कहा तब तक फिल्म हो जाएगी बेकार। सेलिना जेटली ने प्रीमेच्योरिटी डे पर बयां किया अपना दर्द। लिखा एक बच्चा एनआईसीयू में था और दूसरे के अंतिम संस्कार की हो रही थी तैयारी। बच्चों का प्रीमेच्योर बर्थ पर हुए जटिल हेल्थ प्रॉब्लम। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने हाल ही में बिहार के एक यूट्यूबर को भेजा 500 करोड़ का मानहानि नोटिस। कहा एफएफ न्यूज नाम के यूट्यूब चैनल पर मुंबई पुलिस आदित्य ठाकरे और अक्षय कुमार के खिलाफ गलत जानकारी और अपमानजनक वीडियो कर रहे थे पोस्ट। हॉलीवुड की बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्म वंडर वुमन 1984 का हुआ फैसला। ओटीटी के साथ सिनेमाघरों में 16 दिसंबर को देगी दस्तक। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से नवाजा गया। ऋचा ने कहा जिसका गॉडफादर नहीं उसके लिए हर अवार्ड कीमती। कलर्स का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस हमेशा ही विवादों में रहा। इस बार बिग बॉस पर लव जिहाद को प्रमोट करने का आरोप लगा है। शो में रूबीना दिलैक का कैप्टेंसी टास्क में जैस्मिन के सपोर्ट ना करने पर फैंस नाराज। जैस्मिन और अली के इस बर्ताव से खफा फैंस उन्हें नागिन और सपेरा कह रहे हैं। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने एक्टर रणवीर सिंह पर टीवी कर्मशील में दिवंगत एक्टर का मजाक उड़ाने का लगाया आरोप। सिनेमाघर खुलते ही रिलीज के लिए तैयार फिल्म इंदु की जवानी की रिलीज डेट टली। निर्माता इंतजार में, हालात सुधरे तो फिल्म का प्रचार फिर से शुरू करेंगे। एक्टर अजय देवगन संग फिल्म मेट में नजर आएंगी रकुल प्रीत, कहा अमिताभ बच्चन संग काम करने का सपना हुआ पूरा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने अपना 45वां बर्थडे कर रही सेलिब्रेट। सुष्मिता ने सिंगल पेरेंट बनकर सभी को चौंका दिया था। दो बेटियों को गोद लिया जिनके नाम
रीने और एलिशा। बिग बॉस में कविता कौशिक के सपोर्ट में आए कीकू शारदा, बोले वो सही से लड़ाई लड़ती है। हॉलीवुड एक्ट्रेस डॉली पार्टन कोरोना वायरस के वैक्सीन के रिसर्च में करेंगे मदद, $1 मिलियन किए डोनेट। स्ट्राइक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिमिटेड ओवर के 6 मैचों में एक साथ खेलने की संभावना हुई कम, रोटेशन में मिल सकेगा मौका।